ये क्या मजाक है? अच्छा, पहले तो हमारा ये मजाक तुमको बहुत अच्छा लगता था। ओ, हम तो भूल ही गए, अब तुम हमारी गुंजा नहीं, इंदर जी की पत्नी हो। वो बात नहीं है कबूल। तो क्या बात है, और तुम ऐसे मुंह काहे काहे बैठी हो? इंदर जी की याद आ रही है क्या? अरे नहीं, बस अपनी गौरी के बारे में सोच रहे थे। शायद उसका ना नक्षत्र ही खराब है, उसके साथ की सारी लड़कियों की शादी हो चुकी है, बस वही बेचारी बची हुई है। अरे दूसरे के बारे में सोच के तुम काहे मुंह लटकाई बैठी हो? जैसे तुम लोग ना मतलब के यार नहीं हो, तुम्हें क्या पता एक जवान लड़की की माँ बाप को कितनी चिंता होती है। अरे वो सब छोड़ो, ये बता अभी भी मन भरा हुआ है या भुखाई हुई हो? हमारा तो बहुत मन कर रहा है तुमसे मिलने का। आ गए ना अपने औकात पर, अभी तुम जाओ, जब हमारा मन होगा ना हम बता देंगे। ठीक है, जा रहे हैं, लेकिन जब मन करे तो बता देना, आ जाएंगे हम। बस ये गौरी का कुछ कर दो। राम राम सोहन जी। अरे प्रणाम पंडित जी, बहुत सही समय पर आप आए हैं, आइए भोजन कीजिए। नहीं नहीं, मैं तो घर से जलपान करके आया हूँ। अरे जलपान तो पंडित जी सवेरे ही किया होगा ना, अरे थोड़ा सा कर लीजिए। अरे गौरी बिटिया। जी बाबूजी। देखो पंडित जी आए हैं। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम बिटिया, कैसे हैं आप? बढ़िया है एकदम। अरे गौरी बिटिया, पंडित जी के लिए भोजन परोस दो। जी लाई बाबू जी। और बताइए बस कैसे हैं बस आप? आपका आशीर्वाद है पंडित जी बस। चलिए भगवान का आशीर्वाद रहना चाहिए, प्रभु की लीला है। लीजिए पंडित जी, प्रारंभ कीजिए। करते हैं। बहुत ही शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन है। सुभाग्यवती भव, बेटी बहुत जल्दी ही तुम सुहागन भी बन जाओगी, यही आशीर्वाद है हमारा। पंडित जी आपके मुंह में घी शक्कर। सब कुशल मंगल होगा सोहन जी। बस बिटिया की कुंडली में एक दोष है सोहन जी, बिटिया की कुंडली में पुरुष योग है ही नहीं। मुझे लगता है कि बचपन में ही उसके जोड़े की अकाल मृत्यु हो गई है। इसका मतलब गौरी की शादी नहीं होगी? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान ने हर समस्या का हल बना रखा है। हम गौरी बिटिया का विवाह उसी लगन में करा के ही रहेंगे। पंडित जी हमारी गौरी अब बस आपके ही हाथ में है, आप जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा, बस उसके हाथ पीले हो जाए हम आपकी झोली भर देंगे पंडित जी। अरे अरे आप रोइए मत, आप भगवान पे भरोसा रखें, सब ठीक होगा, विवाह गौरी बिटिया का अवश्य होगा। अरे शंकर, क्या तुझे ये देखकर अच्छा लग रहा है कि तेरी अम्मा इस उम्र में भी चूल्हा चौखा करे? भाऊजी हम तो 3 साल से कह रहे हैं कि कोई नौकरानी रख लो। तो तुम क्या चाहते हो, हम नौकरानी के हाथ का बना खाना खाएं जिसे खुद साफ सफाई का ख्याल ना हो? तो बाबूजी इसमें बुराई कहाँ है? बुराई है,
जिस उम्र में तुम्हारी अम्मा को आराम करना चाहिए, तुम्हारे रहते हुए काम करना पड़ रहा है। कहाँ जा रहे हो? पेट भर गया हमारा। रुको, ऐसे सवालों से मुंह फेरने से काम नहीं चलेगा शंकर। जवाब दो, तुम क्या चाहते हो, क्यों शादी नहीं करना चाहते, बताओ। अरे पिता। शंकर, अरे हमने कुछ पूछा है? देख रही हो, काहे इतना गुस्सा करते हैं? अब आपकी वजह से आज उसको भूखा सोना पड़ेगा। मिलन योग नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान ने इतनी सुंदर काया दी है तो कोई ना कोई तो बनाया होगा। अरे तू समझी नहीं का, पंडित जी ने क्या कहा है? इका जीवन साथी बचपन में गुजर गया, इसलिए ये ग्रह इसके जीवन में आया। तो ग्रह तोड़ दे। हमारे बस में होता तो हम कभी कुंवारे बैठे होते। तू समझी नहीं, देख तेरी कुंडली में दोष है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, पर अगर तू किसी मर्द से मिलन कर ले तो तेरी शादी भी हो जाएगी और दोष भी मिट जाएगा। ये क्या नाप सुना बक रही है? सही तो बोल रही है वो। अब तो हम दोनों को ही देख ले, अब हम दोनों ही तो कवारे से मस्ती कर रहे थे और हम दोनों का ही रिश्ता सही हो गया। तू देख, गुंजा की शादी हो चुकी है और हमरी होने वाली है, लेकिन तू है कि इन सब चीजों से दूर रहती है, समझी? यानी कि हमको अपना कुंडली दोष मिटाने के लिए एक और दोष करना पड़ेगा। अरे बाबा, इसमें कोई दोष करने वाली बात ही नहीं है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ ना, हम अपने गबोल से बात करें? नहीं, हम अपने सम्मान और मान मर्यादा पर दाग लगने नहीं दे सकते, भले ही हम जिंदगी भर कुंवारे बैठे रहें। बहुत अच्छे, जिंदगी भर अपने माँ बाप के सीने पे ना सांप बन के रेंगती रहना। अच्छा सुनो, एक बार करके देखो, शायद तीर निशाने पे लग जाए। शंकर, अब हम कुछ नहीं सुनना चाहते, हमने तुम्हारा फिर से रिश्ता तय कर दिया और जो भी लड़की होगी तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। बाबूजी, हम एक ही बात आपसे बार बार नहीं कहेंगे, हम आपसे कह चुके हैं ना कि हमें शादी नहीं करनी है। पर काहे नहीं करनी है, कारण तो बताओ। माँ, तू आजकल की लड़कियों को नहीं जानती, जो भी आएगी वो हमको आप दोनों से अलग कर देगी। हमें मंजूर है, लेकिन तुझे ये शादी करनी पड़ेगी। लेकिन बाबूजी, हमें मंजूर नहीं है। तो सुन ले, तू अगर कल तक शादी के लिए तैयार नहीं होता है तो हमारा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। तू जा सकता है यहाँ से, कोई रिश्ता नहीं तेरा इस घर से। आप भी ना, क्या अनाप शनाप पक रहे हैं? तुम तो बस चुप ही रहो तो अच्छा है। ये क्या कर रहा है, पगला गया है क्या है? अरे वो तेरे बाबूजी हैं, जो भी कह रहे हैं तेरी भलाई के लिए कह रहे हैं। सुन, तू ही खातिर ब्याह नहीं कर रहा ना, क्यों? जो बहू आएगी वो तुझे हम पे अलग कर देगी। हा? और अब बिना शादी के ही हम लोगों से दूर जा रहा है। देख बेटा, तो हमने एक ही औलाद है, हम दोनों के जिगर का टुकड़ा है। देख बेटा, तेरे आगे झोली फैलाते, अपने बाबू जी की खुशी मेरे झोली में डाल दे बेटा। अरे कबूल का बच्चा कहाँ रह गया? वैसे तो मिलने के लिए तड़पता रहता है, और अब जब मिलने आया तो पता नहीं। कबूल, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कहाँ थे? अरे वो तो ठीक है, लेकिन पहले ही बताओ, हमको यहाँ बुलाई का है? तुम्हारी आरती करने के लिए नहीं बुलाए हैं, तुम्हें पता है ना हम यहाँ क्यों मिलते हैं? क्यों, पता? अच्छा वो छोड़ो, तुमसे एक काम था, गौरी से गठबंधन कराना है तुम्हारा। गौरी से गठबंधन?
मतलब हम कुछ समझे नहीं। हमारी सहेली है ना गौरी, उससे तुम्हारा गठबंधन करवाना है। समझ आया? अरे नेक काम का निमंत्रण थोड़ी दिया जाता है, लेते आती उसको कर लेते गठबंधन। लेकिन वो वैसी लड़की नहीं है, वो बहुत शर्मीली और संस्कारी लड़की है, तो अब तुम्हें उससे थोड़ी करीबी बनानी पड़ेगी। अच्छा, इसका मतलब पहले उससे बतियाना पड़ेगा। सही पकड़े हो। फिर मिलना जुलना पड़ेगा। हाँ, तो अब ये हमारा वादा है कि वो कल तुम्हारी बाहों में होगी। जिस उम्र में तुम्हारी अम्मा को आराम करना चाहिए, तुम्हारे रहते हुए काम करना पड़ रहा है। 5 साल लेट हो चुके हो, तुम्हारे साथ के जितने भी तुम्हारे यार दोस्त हैं सब दो दो तीन तीन बच्चों के बाप बन गए। तो सुन ले, तू अगर कल तक शादी के लिए तैयार नहीं होता है तो हमारा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। शंकर, अब तेरे सामने एक ही रास्ता है, या तो तू अपने माँ बाप को सब कुछ सच बता दे या फिर उनकी खुशी के लिए शादी कर ले। जो भी होगा भगवान देख लेंगे। हे भगवान, इसकी कुंडली में स्त्री योग है ही नहीं, तो अब इसका विवाह कैसे कराऊंगा और कैसे मैं मुंह मांगी दक्षिणा पाऊंगा। की कुंडलियों में एक ही योग है, शंकर को स्त्री का सुख नहीं है और गौरी को मर्द का सुख नहीं है, लेकिन इन दोनों की कुंडलियों की वजह से हम धन सुख से वंचित रह जाएंगे ना। ऐसा करता हूं कि इन दोनों का ही विवाह कराने की कोशिश करता हूं, अगर सफल हो गए तो अपना तो धन ग्रहण करने का ग्रह तो कट ही जाएगा और प्रभु की इच्छा से हो सकता है इनके भी ग्रह कट जाएं। यही ठीक है। मैं किसी के साथ अनैतिक संबंध नहीं बना सकती, वरना मेरे बाबूजी की इज्जत मिट्टी मिल जाएगी और वो मर जाएंगे। हे भगवान जी, हमको ये कौन सी मुसीबत में डाल दियो, आखिर हम भी इंसान हैं। जब एक 5 औरत अपना बच्चा पाने के लिए मैला खाने के लिए तैयार हो सकती है तो मैं अनैतिक संबंध बना के ही सही, ये ग्रह काट के ही रहूंगी।